मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी। आज हम बात करेंगे आपसे उन फिल्मों की जो इस साल दिवाली पर रिलीज हुई हैं, और दो फिल्में इंडिया की जो रिलीज हुई हैं, एक है सिंघम अगेन एंड द अदर इज भूल भुलैया 3। मंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। भूल भुलैया 2 जो थी वो मैंने नहीं देखी, क्योंकि मुझे भूल भुलैया 1 जो थी वो इतनी पसंद आई थी कि आई वॉन्टेड टू स्टे विद द मेमरीज ऑफ दैट फिल्म, विद्या बालन, अक्षय कुमार और अमीषा पटेल। बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। मुझे जहाँ तक याद है मैंने यही दिवाली पर ही भूल भुलैया 1 दुबई में देखी थी। तो भूल भुलैया 3 जो है वो भी दिवाली पे आई है, और यकीनन भूल भुलैया 2 भी दिवाली पर ही आई होगी, क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा शौक नहीं था कार्तिक आर्यन साहब की फिल्म देखने का। बहुत अच्छे एक्टर हैं, सब सही है, लेकिन नहीं है, क्लिक नहीं किया मेरे साथ। वो प्यार के पंचनामा वाले मोल से बाहर ही निकले। आप तो डर गए। तो जब भूल भुलैया 3 का मैंने सुना तो एक था कि माधुरी दीक्षित भी हैं और विद्या बालन भी हैं, तो चलो देख लेंगे। खैर, ये एक थी और एक सिंघम अगेन। सिंघम अगेन की खास बात यह है कि इसके अंदर सभी भरे हुए हैं। इसके अंदर अक्षय कुमार भी हैं अजय देवगन के साथ, और रणवीर सिंह भी हैं, और सलमान खान भी हैं। इसकी स्टोरी जो है वो कुछ रामायण जो है उसके ऊपर रखे किया कि जिस तरह राम ने जाके सीता को बचाया था, और जो फुट स्टेप्स और रास्ते में जो उनको साथी मिले, टाइगर श्रॉफ भी हैं, जैकी श्रॉफ भी हैं, तो सब इस तरह करके उन्होंने बनाई थी। लेकिन उन्होंने हिंदू मिथोलॉजी को कुछ ज़्यादा डाल दिया इसके अंदर, जो सबको पसंद आ जाए कम अज़ कम सऊदी अरब को पसंद नहीं आएगा। और इसकी मिसाल ये है कि व्हेन आई वाज अ लिटिल किड, मैं भी कभी किड था, तो ये बात है 1988 की, हम लोग मिस्टर इंडिया बहुत देखा करते थे फिल्म, क्योंकि बच्चों की फिल्म थी। जिंदगी की यही रीत है। डरता तो मैं शेर से भी नहीं हूं, हां मगर कॉकरोच से। मोगेम्बो, खुश हुआ। कमरे के आगे बालकनी, बालकनी के आगे गार्डन, और गार्डन के आगे समंदर। करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। अच्छा जुगल, फिर गायब हो जाऊं? नहीं 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 रुपया प्लीज वापस आ जाओ रुपया, मुझे बहुत डर लगता है रुपया। हिंदुस्तानी कितनी आसानी से अपनी हार मान लेते हैं। और चूंकि मेरे वालिद साहब सऊदी अरब में नौकरी करते थे तो हम छुट्टियों में वहीं जाते थे, और मिस्टर इंडिया का जो वीडियो कैसेट था वो हर वक्त हम लोग के साथ रहता था, और हर वक्त चलता भी रहता था कि जब कोई बड़ा कहीं जा रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, मिस्टर इंडिया लगा दो, देखते रहेंगे। सऊदी अरब में जब ये फिल्म वीडियो कैसेट पर रिलीज हुई है तो इसमें से 2 सीन मिसिंग थे। एक वो सीन मिसिंग था जिसमें हनुमान की मूर्ति चुराने दादा तेजा ये लोग आते हैं, और अनिल कपूर मिस्टर इंडिया बन के गायब होके आते हैं और कुट्टस लगाते हैं इनकी। तुम इस देश के नए भगवान बनने वाले। नो, दैट सीन वाज मिसिंग, एंड ऑब्वियसली वो सीन या वो गाना मिसिंग था जिसको देखने के लिए 80% लोग सिनेमा गए थे, काटे नहीं कटते के दिन के रात। तो ये तो सऊदी अरब के अंदर जब से फिल्में लगना शुरू हुई हैं तब से उनका सेंसर बोर्ड भी ज़रा स्ट्रिक्ट सा है, और जाहिर है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये वो टॉलरेट नहीं करेंगे अपने यहाँ, इतना अभी वो ओपन नहीं हुए हैं। भूल भुलैया 3 जो है उसको भी सऊदी अरब में बैन कर दिया गया है, क्योंकि वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। जिस तरह हॉलीवुड की फिल्मों में होता है ना कि होमोसेक्सुअल मजाक और ब्रोमांस और इस तरह की चीज़ें जो है भर देते हैं, थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि इसमें भी कुछ वाला एलिमेंट डाल दिया है तुमने, होमोसेक्सुअल जोक्स और इस तरह की चीज़ें। कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है? तो जाहिर है वो भी सऊदी अरब टॉलरेट नहीं करेगा। हो सकता है काट कूट के ये फिल्म वहाँ पे रिलीज हो जाए, बट यू नेवर नो। रिलीज पे जब आपने वर्ल्ड वाइड उसको रिलीज नहीं किया तो फिर जब बाद में वो चाहे मोती जड़ के भी आ जाए वो बात तो नहीं रहेगी।